था ना, उनसे हमने कहा कि हमारी शादी ऐसा रिलेशन बनाए तो हम तुमसे शादी करेंगे तो मुझे बहुत पसंद हो। तो उसके बाद हमारी उनकी दोस्ती रही। जब शादी के जब जब बात करती रही तो बोले मेरी मम्मी को कैंसर है। मैम शादी के पहले उन्होंने मतलब रिलेशन के पहले उन्होंने शादी का वादा किया था या रिलेशन बनाने के बाद शादी का वादा किया था? जब हमारे साथ उन्होंने जबरदस्ती किया, जब मैं बोली तो बोले कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम कहीं किसी से कहना मत। और मेरे कमरे पर वो आते जाते रहे। जब जब मैं शादी के बात की तो वो बोले कि ऐसा है मेरी मम्मी को कैंसर है और मैं कहाँ भाग के जा रहा हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा, तुम्हारे ही रूम पर तो रहता हूँ। फिर उसके बाद? इसके बाद मुझे कुछ शंका हुआ कि ये किसी और लड़के के रिलेशन में है, किसी से बात करते हैं। मैंने चेकिंग पकड़ी तो उन्होंने कहा कि अरे ऐसे गलती से हो गया था। फिर मुझे इन्होंने कहा कि हम पढ़ाई के बाद तुमसे शादी करेंगे। फिर मैंने जहर खा ली, मेरे को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। अच्छा, ये जहर खाया था आपने? तीन महीने पहले की बात है। फिर इन्होंने कहा अगर तुमको विश्वास नहीं है तो तुम दुबग्गा आ जाओ, एरा हॉस्पिटल के आस पास रहो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। फिर मुझे ऐसा लगा तो एरा हॉस्पिटल में एक लड़की के साथ इनका मैं चैटिंग पकड़ी, फोटो पकड़ी, तो इन्होंने बोला चलो हम आज ही शादी कर लेते हैं। उस लड़की का नाम क्या जिसके साथ इनका फिर चल रहा था? शालिनी। उसके बाद इन्होंने बोला कि चलो मैं आज ही शादी कर लेता हूँ। जब मैं चैटिंग पकड़ी तो रात में हमको बहुत मारे, मेरा मोबाइल तोड़ दिए, बहुत मार मारे। और उसके बाद हमने कहा हम थाने पे जाएंगे, तो बोले कि नहीं हम आज ही शादी करेंगे। तो वकील से बात की है, मेरी सारी तैयारी उन्होंने की, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, देख लीजिए। और उसके बाद जो है जब हम शादी की पूरी तैयारी किए तो उन्होंने पता चला कि मोबाइल बंद करके वो चले गए एरा हॉस्पिटल में, वो है नहीं। मैं थाने पर गई तो थाने पर भी हमारे साथ मतलब ऐसा हुआ कि वो बड़े आदमी हैं, तुम समझौता कर लो, ऐसा ही कुछ हुआ। मुझे कोई इंसाफ नहीं मिली। जब आप वहाँ गई थाने पे तो एसओ का क्या कहना था? कह रहे थे बेटा ऐसा करिए कि वो बड़े लोग हैं, वो तुम समझौता कर लो। हाँ, मैंने बोली मैं समझौता नहीं करूंगी, डॉक्टर प्रियांक को बुलाइए। तो बोलने लगे उनके तरफ से फोन आ रहा है, फिर प्रियांक का फोन आया कि तू मान जा पैसा लेके। अब आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ, जो मेरे साथ डेढ़ दो साल वो रहे हैं। अगर आपको यहाँ थाने से इंसाफ नहीं मिला तो आगे कदम आपको क्या रहेंगे? तो मैं और ऊपर तक जाऊंगी, नहीं तो खुदकुशी कर लूंगी, और क्या। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिली तो मैं एक बार कर चुकी हूँ, अगर नहीं मिला तो मैं खुदकुशी। इसकी जिम्मेदारी आप अपने जो कह रही थी मैं अपनी जान दे दूंगी, उसकी जिम्मेदारी आप किसको देना चाहेंगी? मैं डॉक्टर प्रियांक को दूंगी और एसओ को दूंगी जो मुझे इंसाफ।